हेलो दोस्तों, आई एम रवि तोमर, यू वॉचिंग ऑटो स्पॉट इंडिया। तो भाई सामने हमारी गाड़ी खड़ी है बलेनो सिग्मा बेस वेरिएंट है, और सर क्या कुछ आपको मिलता है, ऑफर होने वाला है, क्या प्राइस पॉइंट, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसके हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो कि प्रोजेक्टर के साथ में है। नीचे आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलेगी, बट फॉग लैम्प नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको ग्रिल मिलने वाला है। अब टॉप वेरिएंट में कैसा होता है, यहाँ पे क्रोम दिया गया है, बट यहाँ पे आपको नॉर्मली ब्लैक्ड आउट ही रहने वाला है। हालांकि ग्रिल काफ़ी मस्कुलर लग रही है एकदम से न्यू पैटर्न में। आई शेप में इसके हेडलैम्प नज़र आते हैं। नीचे फॉग लैम्प की इस तरह से हाउसिंग आपको मिल जाएगी, नंबर प्लेट का बैचिंग मिल जाएगा। और तो ये आपको फ्रंट से ओवरऑल मिलने वाले, बीच में बड़ा सा मारुति का लोगो मिल जाएगा। दो कर्स मिलेंगे आपको बोनेट पे, अच्छा खासा ह्यूज बोनेट आपको प्रोवाइड हुआ है इसमें। और कुछ इस तरह से सिल्वर कलर ये है, और सिल्वर कलर में बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसका आ रहा है। बात करें अगर साइड प्रोफाइल की, तो इस तरह से साइड प्रोफाइल है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें जो मिलने वाला है 170mm का है इस तरह से। और व्हील साइज टायर की बात करें तो 185/60/15 15 इंच के आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलने वाले हैं। और बॉडी कलर ORBMs और डोर हैंडल नहीं मिलेंगे, ब्लैक डोर रहने वाले हैं दोनों जगह पे। टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको ओवरऑल साइड प्रोफाइल मिलने वाली है बलेनो सिग्मा की। ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है जो कि वायर वाला है, और नॉर्मल शार्क फिन नहीं मिलने वाला है इसमें। और डायमेंशन की बात करें पर्टिकुलर इस गाड़ी में, तो 3990 की लेंथ है, और विड्थ 1745 की है, हाइट 1500mm की है, और 2520mm का आपको टोटल कंप्लीट व्हील बेस आपको इसमें मिलने वाला है। तो इस तरह से ओवरऑल आपको मिलने, बड़ा सा और भी मिल जाता है लेकिन आपको ग्लॉसी में है, इस तरह से मिलेगा। बढ़ते हैं इसके बैक में, इस तरह से आपको बैक प्रोफाइल मिल जाती है कंप्लीट। टेल लैंप थोड़े से डिजाइन चेंज किया हुआ है, पहले कैसे नॉर्मल से वन साइड आते थे, वो स्प्लिट फॉर्म में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बैलनों की बेसिंग मिलेगी, मारुति का लोगो, नेक्सा, और चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको पीछे। यहाँ पे डिफोगर मिल जाता है आपको, वाइपर वगैरह का जो ऑप्शन नहीं मिलेगा। और स्पॉइलर में ही माउंटेड आपको लाइट मिल जाती है, स्टॉप लाइट। तो इस तरह से आपको ओवरऑल इसका बैक प्रोफाइल रहने वाला है। ऊपर आपको एंटीना दिख रहा होगा क्योंकि नॉर्मल है बाइक, और यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं आपको। तो कि जिस तरह से आपको बैक प्रोफाइल मिलने वाली। इसके बूट की बात करें तो बूट आपको 318 लीटर का मिलता है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। काफ़ी डीप है, लगभग अराउंड 1 फीट अंदर जैसा। तो इस तरह से आपको बूट प्रोफाइल मिलने वाली है। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको जो मिलेगा इसमें ऑफर होता है, सेम प्रोफाइल है 180/16 15 इंच, जो कि आपको नॉर्मल रेगुलर टायर मिलते हैं। यहाँ से आप पकड़ के इसको बंद कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये ओवरऑल इसकी इसका आपको एक्सटीरियर मिलने वाला है, और अगेन सिल्वर कलर में बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसका आ रहा है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, चेकआउट करते हैं इसका इंटीरियर, क्या कुछ आपको ऑफर करने वाली है इंटीरियर। उस इंटीरियर में जाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे वाइपर आपको नॉर्मल मिलने वाले हैं, तो क्वालिटी बहुत ठीक है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है वाइपर की क्वालिटी। एंट्री यहाँ से आपको नॉर्मल, फ्रंट का डोर जिस तरह से आपको, यहाँ पे फैब्रिक की पैडिंग है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं चाइल्ड सेफ्टी लॉक के साथ में। और यहाँ पे ये डोर हैंडल आपको नॉर्मल ब्लैक डोर रहने वाला है। स्पीकर म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है आपको इसमें, और यहाँ पे वाटर होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ओवरऑल आपको फ्रंट डोर मिलने वाला है। सीट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, फैब्रिक की सीटिंग रहेगी। इसका पोस्चर काफ़ी अच्छा है, बट आपको एडजस्टेबल वगैरह के ऑप्शन कुछ नहीं मिलने वाले हैं। अगेन बात करें अगर इस तरह से, कुछ स्टेयरिंग व्हील रहने वाला है जो कि आपको सिर्फ एडजस्टेबल है, और इसको टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, हालांकि डी कट डिजाइन आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, मारुति का लोगो मिल जाता है यहाँ पे। और इस तरह से आपको दिखने वाले हैं MID, दो एनालॉग और बीच में छोटी सी MID के साथ में। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो दोनों को। और वाइपर तो ये सब मिल जाते हैं आपको, हेडलैम्प कंट्रोल, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाता है। और ये, और यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी है कि मारुति में जो इनका यूनिट यूज़ करते हैं एसी का, ऑटो एसी मिलता है सभी वेरिएंट में, और सेम यही ब्रेजा में कैरी फॉरवर्ड होता है, यही अभी ग्रैंड विटारा जो आई है उसमें कैरी फॉरवर्ड होता है सेम। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। दो कप होल्डर मिल जाते हैं, अगेन यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस। यहाँ पे कार्बन फाइबर की
थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी आपको दोनों साइड में, जिससे लुकिंग काफ़ी सही आता है। गियर नॉर्मल है, ब्लैक आउट और 5 स्पीड का जो रेगुलर आता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कोई भी यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलने वाला, टूडेंट का भी ऑडियो में सिस्टम भी नहीं मिलेगा और एडजस्टेबल IRBM यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा मेरा, और यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से, और डैशबोर्ड की बात करें यहाँ पे डुअल टोन में टाइप में है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रेस ग्लोसीफनेस में, और यहाँ पे ब्लूइश है, बट यहाँ पे कोई भी आपको सॉफ्ट टच नहीं देखने को मिलेगा। सॉफ्ट टच ओनली आपको पैडिंग यहाँ पे दी गई है थोड़ी सी डोर पे, उसके अलावा सॉफ्ट टच कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स मिल जाएगा इतना। और बात करें एसी यूनिट के, एसी यूनिट काफ़ी सही है, और हाँ एसी यूनिट के पास भी आपको कार्बन फाइबर की थोड़ी सी झलक देखने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे है। तो कहीं कहीं पे डिज़ाइन लुक्स में काफ़ी स्पोर्टी बनाई गई है थोड़ी बहुत। और सीटिंग की बात करें, मेनली सीटिंग काफ़ी कंफर्ट है पहले के कंपैरिजन में, बकेट वगैरह जो कट्स हैं काफ़ी कंफर्ट वाले हैं, और फैब्रिक की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, लाइक सीट फैब्रिक में ही रहने वाले हैं। 2 एयरबैग मिल जाते हैं फ्रंट में, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही साइड पर, और कोई भी म्यूजिक सिस्टम के रिलेटेड कुछ भी आपको इसमें नहीं मिलने वाला, फुल ब्लैंक गाड़ी मिलने वाली है आपको। डोर हैंडल मिल जाते हैं, लैंप ट्रिम मिल जाती है रीडिंग, और आर्म रेस्ट भी नहीं रहेगा, तो इस तरह से सेंटर कंसोल आपको पूरा दिखने वाला है। डैशबोर्ड की बात करें तो कंप्लीट ये रहने वाला है आपको, और मैनुअली रहेगा, जिसकी की का यहाँ पे रहने वाला है, स्टार्ट स्टॉप बटन भी इसमें नहीं आएगा। चलते हैं बैक की सीट पर, चेकआउट करते हैं बैक में कैसा स्पेस है इसमें। इस तरह से आपको बैक प्रोफाइल में सेम यहाँ पे पैडिंग फैब्रिक मिल जाएगी, और एंटर की बात करें यहाँ भी आपको कोई स्पीकर वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। और जैसे कि यहाँ पे मैं बैठा हुआ था उसके बाद में, स्पेस तो काफ़ी अच्छा है, मतलब पहले से ही इसमें था, और क्योंकि काफ़ी अराउंड लगभग 3900 की गाड़ी है लेंथ, तो स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। एसी वेंस नहीं मिलता है, बट एक चीज़ अच्छी है कि चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दे दिया, आई थिंक यस, एक चार्ज 12 वोल्ट का 120 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है पीछे। आर्मरेस्ट नहीं है यहाँ पे, एसी का यूनिट नहीं है तो ये ब्लैंक है, और आर्मरेस्ट नहीं है यहाँ भी, और फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे पीछे। सीटिंग कुछ इस तरह से मिल जाती है, थाई सपोर्ट वगैरह सब कुछ काफ़ी सही है, हेड स्पेस भी ऊपर भी काफ़ी ठीक है। पीछे पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलने वाली है इसमें भी, तो इस तरह से आपको ओवरऑल पीछे का सीट मिल जाता है। लेकिन कुशन का बात करूँ तो कुशन काफ़ी अच्छा है, और अंदर बैठ के फील होता है, मतलब काफ़ी अच्छी गाड़ी में बैठे हो आप। इंजन की बात करूँ तो इंजन इसमें जो मिलने वाला है 1200 cc का इंजन है, और जो कि 88 PS की पावर 130 Nm टॉर्क जनरेट करती है, और माइलेज जो है ये जो क्लेम कर रही है 22 का है अप्रोक्स ARAI जो इसका फिगर है, बट ऑन रोड लगभग 18-19 का माइलेज आराम से दे देती है इन रोड कंडीशन के हिसाब से। और सेफ्टी में आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं, हिल होल्ड, EBS EBD जैसे काफ़ी अच्छे सारे फीचर्स मिल जाते हैं कंपेयर टू ओल्ड बलेनो, उसके कंपेरिजन में थोड़ा सेफ्टी इम्प्रूवमेंट आया है डेफिनेटली, तो वहाँ भी आप कंसिडर कर सकते हो। और डिजाइन में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने वाला है डेफिनेटली, पहले से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और अच्छी लगने लगी है। तो और प्राइस इसका जो स्टार्ट होता है, मेन चीज़ है प्राइस, तो प्राइस इसका जो स्टार्ट होता है 6.5 लाख से आपको मिल जाता है। छोटे मोटे आपको जो भी चेंजेस है वो करवा सकते हो आफ्टर मार्केट में, तो ये आपको सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट बन सकता है आपके लिए, क्योंकि इस रेंज में ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ कुछ आती नहीं है, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, और लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको प्रीमियम लुक्स देने वाली है। माइलेज भी पेट्रोल में अप्रोक्स ठीक है, मतलब गाड़ी के हिसाब से, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।